गाड़ी अब पूरी कंप्लीट सज गई, मार्च हो गया और माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। आपने कबूल किया? इस प्यारे भरे माहौल में प्यारे भाई आतिफ भाई जो है एक बहुत ही प्यारा शेर इरशाद फरमा रहे हैं मुझको चाहेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे। मैं फैज़ इकबाल आपका नए व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो है वो बारात का दिन है, आज इंशाल्लाह बारात जाना है, अभी शाम का टाइम है। बारात जो है हम लोग सभी को इन्फॉर्म किए हैं कि ईशा के नमाज के बाद जो है वो निकलना है, तो इंशाल्लाह अब जो है शीश भाई फिर तैयार होंगे आकर। अभी हैं शीश भाई उस घर पर, सामने वाले घर पर हैं, पीछे अभी उस घर पर हैं, अभी आएंगे तैयार होंगे सब मिलके। और अब शीश भाई जब तैयार होंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे भी। और आज जो है लाइटिंग का काम तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कल ही कंप्लीट हो गया था, तो पूरा काम लाइटिंग का कल कंप्लीट हो गया था माशाल्लाह। आज ये वहाँ तक पूरा, ये रोड के उस सिरे तक, ये ऊपर का काम जो है ये पूरा बीच से आएगा, पूरा वहाँ तक यहाँ तक जाएगा, वो पूरा लाइट लगेगा, वहाँ पे एंट्रेंस गेट बनेगा। तो इंशाल्लाह आज काम भी देखिए, ये डोरी वोरी पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। और कल ये जो है बोल रहे हैं जैसा यहाँ पे भैया कि कल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे पूरा लाइट। अभी क्या है, गाड़ी जो है वो धुलने गई है, सजाने वाले जो हैं घर पर ही आ जाएंगे, तो गाड़ी इंशाल्लाह घर की ये है वही सजेगी, उसी से हम लोग बारात सब मिल के जाएंगे। डाले का सामान जो है वो इसी रूम में था, आपको दिखाते हैं। देखिए माहौल ऐसा है, तो देखिए ये जो है कल आपको दिखाए थे सारे डाले का सामान, पर इसमें कुछ चीज मिस था, वो मिठाई और ये खाजा दिया जाता है और ये मिठाई, ये सब नहीं दिखाए थे आपको, तो ये इसमें ऐड हुआ है। और ये लड़की का कपड़ा है और ये चूड़ा का बोरा दिया जाता है जैसा कि रस्म है, और ये सब देखिए ये रस्म के तौर पर दिया गया है। और यहाँ जो है भाई लोग देखिए अपने अपने काम में लगे हैं सभी भाई, और ये जो पैक किया जा रहा है देखिए छुहारे का, ये छोटा छोटा पैकेट है, सारा कुछ इसमें जो है दिया जा रहा है। इंशाल्लाह निकाह के बाद जो है इसको सबको दिया जाता है, दिया नहीं जाता, लिया जाता। नहीं हम देंगे, दूसरे लेंगे, पता चलेगा। देखिए सब भाई यहाँ पे जो है मारपीट किया जाता है, मारपीट होता है, इस टाइप का सीन है। उस टाइम आप सानी भाई को नहीं देखे, सानी भाई अभी शाम में ही आए हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जुबैर भाई, एथर भाई, सारे लोग काम में अपने लगे हैं, हम लोग का एक भी पीस नहीं मिलेगा, ये सब लूट लिया जाएगा निकाह के बाद, ऐसा होगा। गाड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह धुल के आ गई है, देखिए एकदम गाड़ी पूरी अच्छी तरीके से धुल गई। गाड़ी को सजाने के लिए भैया आ गए, वो सजाना स्टार्ट कर दिए, उनको जो जो चाहिए था वो हमसे ले लिए और गाड़ी को सजाने में लग गए। फिर मेहमान आ गए शीश भाई का कपड़ा लेकर, ऐसा रस्म होता है कि बारात निकलने से बिफोर जो है कपड़ा पहुंचा दिया जाता है लड़के वालों के घर, तो ये शूज़ और ये वो ट्रॉली में जो है ये ड्रेस था, वो ड्रेस फिर उसके बाद लेके आए और हम लोग सब मिलके नाश्ता किए। नाश्ता करना देखिए आज जो है, इधर तो कल हो ही गया था कंप्लीट, आज देखिए ऊपर भी लग गया पूरा, आज आधा लगा है, कल पूरा एकदम वहाँ रोड तक लग जाएगा आगे तक। ये अपनी गाड़ी भी सच के रेडी है, अभी सज रहा है, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, और सजना है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली ये देखिए गाड़ी अब पूरी कंप्लीट सज गई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी गाड़ी। आज हम यही ड्रेस पहनेंगे, ये कोट है, ये कोट पैंट, और ये एक शर्ट है, और ये एक शर्ट है, और ये इनर है, तो दोनों शर्ट ट्राई करेंगे, देखेंगे ज़्यादा कौन बेस्ट लगता है, और ये शूज़ है, तो कौन सा ज़्यादा बेस्ट लगता है ट्राई करके देखते हैं, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा वही दोनों में से कोई एक शर्ट पहनेंगे। रिश्ता जो है वो देखिए कूट कूट के अल्लाह ताला रिश्ते में प्यार दिए, ये देखिए
एक भाई है और दूसरे भी भाई हैं, रेहान भाई और वागीश भाई को देखिए, ये मोहब्बत है। हम पहन रहे थे लेकिन वो लोग बोले नहीं हम ही पहनाएंगे। चलिए दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तैयार होते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं। ये देखिए पूरा रेडी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लग रहा है। सारे लोग देखिए पूरा हंस रहे, पूरा मजा ले रहे, कैसा लग रहा है सब लोग बताइए हम कैसे लग रहे हैं। दिल रखने के लिए बोल रहे हैं। अनस का भी ड्रेस आपको दिखाते हैं। देखिए अनस, अनस आओ तुम आओ बेटा आओ। रूम का चाबी कहाँ? ये देखिए अनस, सलाम कर दो बेटा अनस। देखिए अनस क्या, वालेकुम सलाम। शीश भाई देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए, माशाल्लाह जबरदस्त लग रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर कुछ पहनाते नहीं है, ठंड है पर कुछ पहनाएंगे नहीं क्योंकि क्या है लुक फिर मार खा जाएगा। माशाल्लाह सॉलिड लुक मार खा जाएगा, समझ रहे हैं ना व्यूअर्स, इतना सा समझ रहे हैं। और आफ्ताब भाई भी कंटाप लग रहे हैं एकदम जबरदस्त, नीचे से ऊपर तक देखिए माशाल्लाह। हम पगड़ी बनवा रहे हैं, मेरा पगड़ी भाई आतिफ भाई बांध रहे हैं और ये हैदर भाई पहले एडजस्ट कर रहे हैं, बनवाते हैं पगड़ी। अल्लाह रहमान रहीम। हम जो है कभी पगड़ी बनवाए नहीं थे, फर्स्ट टाइम पगड़ी बनवाए, और जो है बहुत अच्छा बांधने आता है भाई जान को पगड़ी। पगड़ी बांधने में अच्छा टाइम लगता है लेकिन इनको एक्सपीरियंस होने की वजह से जो है वो टाइम कम लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पगड़ी जो था एकदम परफेक्टली बहुत अच्छा बांधे। फाइनली जो पगड़ी लास्ट टाइम में बांधे वो काफ़ी एकदम अच्छा उतर के आया। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पगड़ी बांधने आती भाई। मेरी पगड़ी बांधने के बाद और सारे भाइयों की पगड़ी बांधने के बाद क्या है, अब सभी लोग जो है शीश भाई की पगड़ी बांधने में लग गए। और ये जो पगड़ी बांध रहे हैं ये हम लोगों के मोहल्ले के इमाम साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही नेक दिल इंसान है। और ये सेहरा पगड़ी के बाद जो है वो बांधा जाएगा, और पीछे जो है वो चुन्ना चचा उनकी हेल्प कर रहे हैं। और ये जो आतिफ भाई एक भाई दूसरे भाई की भी पगड़ी बांध रहे थे, लास्ट में बचे हुए एक भाई थे। तो शीश भाई की पगड़ी लास्ट में आतिफ भाई और चुन्ना चचा दोनों बांध रहे थे, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न था जो कि लास्ट टाइम में फिर आतिफ भाई को बुलाया गया। आतिफ भाई को चूंकि तजुर्बा बहुत अच्छा था डाले का सामान, वो जो है जिनको एक्चुअली क्या होता है इसमें सबसे ज्यादा तजुर्बे का ही खेल है, तो आतिफ भाई तजुर्बे की वजह से जल्दी पगड़ी बांध दी। फिर लास्ट टाइम में पगड़ी जब बांधने के बाद क्या होता है सेहरा बांधना होता है, तो ये फूल का सेहरा फिर बांधने लगे। और ये फूल का सेहरा बांधने के बाद वो हैंग नहीं हो पा रहा था तो उसमें पिन लगाना पड़ा। तो फाइनली ये देखिए बहुत मेहनत के बाद, सारे लोगों के मेहनत के बाद शीश भाई का सेहरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट लग के तैयार हो गया। और माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र व बस से बचाए, बुरी नज़र से बचाए। शीश भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। शीश भाई को तैयार करने के बाद हम लोग जो है कोशिश कर रहे थे जल्द से जल्द बारात निकले, इसीलिए ये दोनों गाड़ी में डाला का सामान जो है वो सेट करने लगे। तो दोनों गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह डाले का सामान जल्दी जल्दी सेट कर रहे थे, और फिर कुछ बचता तो और एक गाड़ी में सेट कर लेते। तो कुल मिला के तीन गाड़ी में डाले का सामान वो हम लोग कंप्लीट सेट कर लिए, सारा डाला इसी में आ गया। सच्चे भाई जो है सॉलिड लग रहे हैं आज, पहली बार हम ऐसे हैंडसम लुक में सच्चे भाई को देखें, ज़बरदस्त लग रहे हैं सच्चे भाई कातिल। और आज अमार भी बहुत मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको सलाम कर देगा। वालेकुम सलाम। माहौल देखिए कुछ ऐसा है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सब ये भाई ही लोग है, छोटा है पर मेरा भाई है। सारा भाई देखिए तैयार है, ये क्या नाम है शायान को तो पहले हम व्लॉग में लिए हैं, या अयान को पहली बार व्लॉग में लिए हैं, और ये बाबू को भी पहली बार लिए। सब रेडी है हुज़ैफ़ा? हाँ मामू जान भी देखिए एकदम पूरा रेडी है ऊपर से नीचे। अस्सलामुअलैकुम। अब चल रहे हैं हम लोग, बस निकलने वाले थोड़े देर में, कुछ आदमी इधर भी वेट कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग जो है वो बारात के लिए अब निकल रहे थे, तो शीश भाई की गाड़ी पहले आगे निकल गई। ये
आपसे क्या छुपाना, फैमिली से कोई कुछ भी छुपा सकता, अच्छा हो या बुरा। गाड़ी घट गई जिसकी वजह से हम लोग इतने आदमी बच गए, और सब देखिए बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। ये वागीश भाई और ये मेरे चचा बुच्ची चचा, देखिए बता नहीं सकते हैं कितने इम्पोर्टेंट है। जुनैद भाई और ये जान ही रहे हैं हम भूल गए, और साबिर भाई और जुबैर भाई और अपने छोटे भाई है, सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हुआ क्या कि गाड़ी जितनी आई थी उतनी ही आई, आदमी बढ़ गए। तो आप गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आ चुकी है दूसरी गाड़ी हम लोग को लेने के लिए, तो हम लोग इसी से जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे सीधा, सीधा कहाँ मिलेंगे, मैरिज हॉल में। तो हम लोग मैरिज हॉल पहुंच गए, यही मैरिज हॉल में रुके थे, और ये जैसे एंट्रेंस करेंगे इधर कुछ ऐसा सीन है, और ये एक छोटा ऐसा देखिए ये वाटरफॉल का बना हुआ है, अंदर का व्यू देखिए ऐसा है। अब चलते हैं अंदर। हम लोग जो है हम लोगों के बैठने का इंतज़ाम जो अंदर ही था, वो स्टेज इस तरफ था, और सामने जो बैठने का था वो मेहमानों का था। तो सामने सारे मेहमान बैठ गए स्टेज पे, देखिए अनस शीश भाई के साथ बिना खाना खाने से पहले ही देखिए खिलाल कैसे कर रहा है। तो शीश भाई के बगल में अनस भाई थे, और सारे लोग जो है वो फ़ोटो और वीडियो कर रहे थे। मुजाहिद भाई भी मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। ये देखिए कारी साहब और इमाम साहब साथ ही बैठे हैं, और ये हम लोग एक बार देखिए पूरा ये जो सारे फैमिली के मेंबर हम लोग सारे स्टेज पर थे, और अंकल लोग चूँकि स्टेज पर उतना जगह होता नहीं है तो अंकल लोग सामने देखिए चेयर पर बैठे हैं। पापा जो है कारी साहब को इजाज़त दे दिए निकाह पढ़ाने का, अब निकाह की बारी थी तो कारी साहब आ गए निकाह पढ़ाने। ونشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يهدي الساعة وإن يهدي الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يزر إلا نفسه. إقبال ابن محمد إقبال في نكاح میں دیا آپ نے قبول کیا कबील तुहा कबील तुहा कबील तुहा इज्जत वाला है, इज्जत की जिंदगी नसीब फरमा तमाम मुसलमानों को, इज्जत की जिंदगी नसीब फरमा या अल्लाह। जो बेरोजगार है उसको रोजगार नसीब फरमा या अल्लाह। जो या अल्लाह तू ही रिस्क का मालिक है, तू जर्रे जर्रे का मालिक है, शहरक से करीब है या अल्लाह। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में हमारी दुआ को कबूल अता फरमा या अल्लाह। मजमा में जितने लोग हैं सारे लोगों के मकासिद को पूरी अता फरमा वसल्लल्लाहु वसहबी अजमईन बिरहमतिके या मुबारक। मंदिर जाइए कपड़ा अंदर जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह निकाह जो है वो हो गया, आमिर भाई भी निकाह में साथ थे, मुजाहिद भाई भी साथ थे। चलिए वागीश भाई हजरत भाई सभी छोटे भाई मेरे साथ है, चलिए बहुत खुशी की बात है। और मेरे चचा पिंकू चचा पीछे का ऐसा माहौल, शीश भाई सब मुबारकबाद शीश भाई को दे रहे हैं। अब जो है ये फोटो का दौर चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। पिंगू चचा आइए ना, पिंगू एक बार दे दो। फिर सभी की ख्वाहिश हो रही थी कि शीश भाई के साथ फोटो लें, सबने फोटो लिया, हम लोग भी भाई मिलके सारे फोटो लिए शीश भाई के साथ, बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए सामने सारे लोग हम लोगों का फोटो ले रहे थे, और फिर उसके बाद ये अजद भाई को भी हम लोग साथ होने बोले, तो वो थोड़ा शाय हैं,
फिर हम कोशिश कर रहे थे कि सारे लोग जल्द से जल्द जो है वो खाना खा लें, क्योंकि खाने के बाद सभी लोग फ्री हो जाएंगे, ठंडे का वक्त है। तो शादी में अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सारे मेरे छोटे भाई लोग भी आए माशाल्लाह, ये कैफी भाई, गुफरान भाई और ये प्यारे भतीजा हैं मेरे, हम उनके चचा हुए। ये माहौल इधर ऐसा है, मीरू ये सब पीछे देखे सारे अंकल लोग हैं भरे पड़े। खाना जो है वो स्टार्ट हो गया, इसके बाद फिर धीरे धीरे जो है इंशाल्लाह जैसे जैसे लोग खा लेंगे फिर सारे को गाइड करके फिर इंशाल्लाह हम लोग भी साथ खाएंगे। इधर देखिए सादात भाई छिप के खा रहे थे, मेरे भाई हुए हैं छोटे। सादात भाई मुंह पर करिए, सुबह बोल रहा दुल्हन हम ही लेके जाएंगे, दुल्हन सादात भाई लेके जाएंगे, इधर सहजोर भाई और छोटू भाई एकदम बन ठन के आए आज, एकदम लग रहा है। थैंक यू। यार देखिए सयान भाई का खाना चल रहा है, देखिए लेग पीस कितना बड़ा है। अरे बाप, दो पीस का एक पीस लेग पीस है। कितना पीस है ये? तीसरा पीस है। अरे तीसरा पीस जा चुका है, ये इंक्लूड है इसमें। अरे हाँ बेटा, हाँ बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया फजल चा, बहुत बहुत शुक्रिया। टेंशन ना लेना सहन, अब तुम्ही का नंबर है। अयान का चौथा है, एक है। यायान का कितना है? पहला टीम खा चुका है। मैं ये पब्लिक देख रहा, पब्लिक सब जानता। ये आयान के एक्टिविटी से लग रहा है कि ये पहला ही है, और ये सयान का जो है ये तीसरा है सयान का। चोर पकड़ा गया है, ये एक चोर पकड़ा गया, इसको दावतें दे गया था, बिना दावत के चली आई है सुबहला। कहाँ जा रही हो? अनस देखिए खाना खा लिया अनस, और अब आ चुकी है अनस को, अभी नींद इसलिए नहीं आ रही है, ये बारात निकलने वाली थी तभी जस्ट सोकर उठा है। अनस देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अनस क्या खाए तुम? खाना खाए? क्या खाए बेटा? कितना सा खाए? कितना सा? हाँ ये एकदम बन ठन के रेडी, देखिए एकदम स्मार्ट से बंदे, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर पर बाल कितना घना है माशाल्लाह, दिखाइए। बाबू जान भी अल्हम्दुलिल्लाह खा लिए माशाल्लाह, खाना बहुत अच्छा, शुक्रिया, खाना खा लिए। हाँ जी खा लू, खाना कैसा लगा? माशाल्लाह चलिए। ये देखिए मेरे बहनोई साहब हैं, ये इनका तीसरा ट्रिप चल रहा है, और ये तीसरा ट्रिप चल रहा है, हम उस एरिया में देखे थे अभी बैठ के, और यहाँ पर देखिए चुप के एकदम साइड कोने में, ये देखिए इनका चालू है तीसरा ट्रिप है। आलिफ जो है वो खाना खा लिया, खाना आलिफ को कैसा लगा बेटा खाना? अच्छा लगा। क्या खाए तुम? तो सबसे अच्छा तुमको लगा क्या? चिकन फ्राई। वाह वाह वाह, चिकन हमारे साथ लगा। आलिफ के पापा हैं। क्या क्या बोले बेटा, कुछ बोले क्या? पूछ खाना कैसा था? जबरदस्त। सभी के खाने के बाद क्या है, हम लोगों का भी देखे टेबल लग गया, फिर हम लोग भी सभी खाना स्टार्ट कर लिए। अंकल लोग भी खाना नहीं खाए थे, तो क्या है वो लड़की वाले लोगों की तरफ से जो अंकल हैं वो लोग भी खाना नहीं खाए थे, तो हम लोग भी ज़िद करके उनको भी साथ में बैठा लिए, चूँकि देर काफ़ी हो रहा था, तो सब मिल के एक साथ खाए। खाना बहुत ही मज़े का बना था, मीठा चावल टेस्ट किए बहुत अच्छा लगा, सभी भाई फिर साथ खाए, खाने को पूरा एंजॉय किए। इस प्यारे भरे माहौल में प्यारे भाई आतिफ भाई जो है एक बहुत ही प्यारा शेर इरशाद फरमा रहे हैं। इरशाद इरशाद सभी व्यूअर्स के लिए, आतिफ प्लीज सुन लेंगे सारे व्यूअर्स जी। आतिफ भाई डेढ़ कमरे की इस दुनिया में एक बिस्तर है कुछ किताबें, क्या कहने आती जा। डेढ़ कमरे की इस दुनिया में एक बिस्तर है कुछ किताबें हैं, आने जाने का एक दरवाज़ा है, खैर आता भी कौन है घर में। कुछ दूर के करीबी रिश्तेदार,
कुछ चंद पुराने मतलबी यार, एक ख्वातीन जिसका जिक्र नहीं वाह। खैर मुझको भी कोई फिक्र नहीं, कोई आए जाए बला से मेरी, दोस्ती हो गई कजा से मेरी, अब यही तौर चाहिए मुझको चाहेगा। चाय वाले का कर्ज 150 रुपए हो गया, सिगरेट वाले के 475 रुपए हो गए, इस महीने तो घर का किराया भी बढ़ जाएगा, खौफ थे मुसलसल बिजली के बिल। ओ बड़े आदमी किस बात ने तेरी कमर तोड़ दी, ओ बड़े आदमी किस बात ने तेरी कमर तोड़ दी, ओ बड़े आदमी तूने फिर नौकरी छोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ, खाना वाना जो है बहुत अच्छे से हो गया और प्रोग्राम जो है वो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, और सारे लोग जो है खाना वाना खा कर चले गए घर, क्योंकि ठंड ज़्यादा थी, सबको घर जाकर ही आराम करना था। हम भी जो है ये रिकमेंड किए कि नहीं आप लोग घर ही चले जाइए, वहाँ आराम होगा। अब जो है वो रसम वसम होगा और रसम होने के बाद जो है फिर हम लोग घर चले जाएँगे। ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, अनस तुम वैसे क्यों बैठे हो, क्या हुआ अनस, अनस और रसम सब जो है वो कंप्लीट हो गया। रसम बहुत अच्छे से हुआ, 1.5 घंटा चलता है, ये लेडीज़ों का रसम होता है, वो क्या क्या करती हैं। हैदर भाई जो है कार अंदर ही कर लिए ताकि वो बैठने में आसानी हो, वो कार को टर्न कर लेते हैं फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। रसम होते होते अभी जो है वो 3:15, 3:15 हो गया, अब घर के लिए हम लोग निकल रहे हैं, तो निकलते हैं घर और पहुँच कर वहाँ पर आपसे फिर बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है पहुँच गए सारे भाई मिल के, देखिए। और कॉपरेट सबसे बड़ी चीज़ आपको नोटिस पता है क्या करना है, कॉपरेशन सबसे बड़ी चीज़, कॉपरेशन नोटिस करना है। देखिए लाइट नहीं है लेकिन सब भाई, कोई देखिए फ्रंट कैमरे से अजद भाई, पीछे से सारे छोटे छोटे भाई जो है क्या लाइट दे रहे हैं, बोलिए कितनी बड़ी बात है। और रात के कितने बजे, 3:37 हो रहा है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा तकलीफ उठा के सब्सक्राइब कर दिए भैया का चैनल। देखिए भाई का चैनल जो है ट्रेंडिंग में जाना चाहिए, फर्स्ट ट्रेंडिंग जाना चाहिए इंडियाज में। अरे ये इतनी बड़ी बड़ी बात तो शायद बहुत ज्यादा हो गई। खैर इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं, हौसला बुलंद रखना। और देखिए रात के इतने लाइट नहीं है लेकिन सब भाई लाइट जो है अपने मोबाइल का जला के बोले कि वीडियो को एंड कर दीजिए और सभी व्यूअर्स को बोल दीजिए बाय, और चैनल को तो सब्सक्राइब करने। मुजाहिद भाई देखिए कितनी खूबसूरती से बोले हैं, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर, सब टेक केयर बोल दे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।